केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अब जामिया मिल्ला इस्लामिया और एमयू को लेकर के अपने विचार पेश किए। बालियान के अजीब और गरीब बयान पर उनके मायने इस रिपोर्ट से समझिए। मंत्री जी के बयान से गरमाई सियासत, जेएनयू और जामिया का बताया इलाज, पश्चिमी यूपी को 10% आरक्षण दे दो, सबका इलाज कर देंगे। जब से नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है तब से देश के दो बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू और जामिया सुर्खियों में बने हुए हैं। ये दोनों शिक्षा संस्थान लगातार आरोपों के घेरे में हैं। राष्ट्रवाद का परचम लहराने वाले जेएनयू और जामिया को राष्ट्र विरोधी तत्वों का गढ़ मानते हैं। मौजूदा दौर में CAA, NRC और NPR के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में इन दोनों संस्थाओं के छात्र बड़ी तादाद में शामिल है। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री संजीव बालियान ने दावा किया है कि उनके पास जेएनयू और जामिया की बीमारी का शर्तिया इलाज है। ये जेएनयू और जामिया, इसमें तो ये लोग हैं जो देश के लोगों में लड़ रहे होते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा, देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर लगाने की। मेरठ की जिस सभा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जेएनयू और जामिया के इलाज का फॉर्मूला बताया, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। बालियान ने अपने बयान पर खूब तालियां बटोरी, लेकिन उसी बयान के लिए वो विपक्ष के निशाने पर भी आ गए। सर, जिस तरह से संजीव बालियान का बयान आया कि 10% पश्चिमी यूपी के लोग जामिया में और जेएनयू में अगर हो जाएं तो उनका इलाज हो जाएगा, उनको गलतफहमी है। उनका कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन वेस्टर्न यूपी के लोगों का कैरेक्टर ऐसा नहीं जिस तरीके का वो सोच रहे हैं। जेएनयू के अंदर अभी आपने क्या कमी छोड़ दिया, लड़कियों के सर फाड़ दिए आपने। इस तरीके के नेता भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर लोगों के अंदर राजनीति से नफरत पैदा कर रहे, राजनीतिज्ञों की इज्जत खराब कर रहे। ये राजनेता होने के, MP और MLA बनने के काबिल लोग नहीं है जो इस तरीके के बयानात देते। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या, कुछ कुछ ना समझे खुदा करे को। एक तरफ नागरिकता कानून को लेकर खमासान मचा है, दूसरी तरफ जेएनयू और जामिया जैसे संस्थान अपनी उग्रता को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में संजीव बालियान के इस बयान के क्या मायने हैं, ये वही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल तो सवाल चर्चा में है कि पश्चिमी यूपी को आरक्षण से जेएनयू और जामिया का इलाज कैसे हो सकता है। मेरठ से मनवर चौहान, दिल्ली से अमित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।